बात करें यहाँ से अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो हम देख रहे हैं कि ग्वार गम का दिसंबर बाद 11,240 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है, लगभग आधे फीसदी की करेक्शन है, और ग्वार सीड का दिसंबर वायदा 6,073 पर लगभग 2% की गिरावट के साथ। हम देख रहे हैं कि ग्वारगम और ग्वासीर जो लगातार 3 से 4 ट्रेडिंग सेशंस अच्छे चाल के साथ ऊपरी सर्किट के साथ ट्रेड करते नजर आ रहे थे, अब उसी ग्वारगम और हल्की सी करेक्शन बनती नजर आ रही है। जो कीमतें हैं वो ऊपरी स्तर से अब धीरे धीरे फिसलती नजर आई है आज हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन क्लोजिंग होते होते। क्लोजिंग होने में थोड़ा टाइम है, लेकिन जो कीमतें हैं वो गिरना शुरू हुई हैं। लेकिन जानकारों का ये कहना है कि ये जो खरीदारी निकली थी ग्वार गम में, इसके बाद अभी एक मुनाफा वसूली भी बनेगी, जो कि हम आज से बनता देख रहे हैं कि आज से मुनाफा वसूली ग्वार की कीमतों में बनना शुरू हो गई है। लेकिन जानकारों के मुताबिक ग्वार गम ग्वासीर में जब मुनाफा वसूली के बाद निचले स्तर दिखेंगे, तो निचले स्तर से फिर से ग्वार गम ग्वासीर की कीमतों में तेजी निकल आएगी और खरीदारी भी निकलेगी। तो फिर से ग्वार गम ग्वासीड में जो हमने लेवल्स देखे थे अभी 11,550 तक, वो लेवल्स फिर से अचीव होते नज़र आएंगे, फिर से दिखेंगे एक मुनाफा वसूली आने के बाद, जो कि आज से बनना शुरू हो गई है। और ग्वासीड में भी 6250-6300 तक लेवल्स आगे जाके दिखते नज़र आएंगे। अगर मुनाफा वसूली बनती है और निचले स्तर से खरीदारी निकलती है, तो मार्केट एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ग्वार में जो मैंने लेवल्स बताए हैं अभी, वो देखने को मिल सकते हैं।